गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के टाइम हो रहे 5 बज चुके हैं और हम लोग उठने में हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए हम लोग को यहाँ लाइन देखो लगी हुई है। इस लाइन में लगे हुए हैं, अब आगे जाके कहाँ तक लाइन है देखना पड़ेगा। देखिएगा इस हम लोग वहाँ पीछे से लाइन लगे लगे यहाँ तक आए हैं और अभी आगे भी ये लाइन लगी हुई है। कहाँ तक अभी ये लाइन लगी हुई है बाकी आप हम रात को वहाँ सोए थे वो पार्किंग में नीचे टेंट का के अपना जो कंटेनर लाए हुए हैं उसको। अभी भी जो है लाइन में लगे हुए हैं, अभी भी लाइन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लगभग 1 घंटा हो गया हमको लाइन में लगे हुए, लेकिन अभी देखो गाइस क्या ही दिख रहा है एकदम। तो गाइस अभी मेन रोड से निकल के इधर आ चुके हैं, शायद इधर अभी अपना जो रजिस्ट्रेशन कराए थे वो चेक किया जाएगा। यहाँ 2 लाइन लगवा दी है पुलिस वालों ने और चलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या है क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन हुआ था चेक हो चुका है और यहाँ से कोई लाइन नहीं है, अब यहाँ से सब अपने हिसाब से जा सकते हैं। यहाँ से फिर एक साइड लाइन में खड़ा करवाया जा रहा है, तो देखते हैं क्या है। लाइन है जो कि बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अभी तो वर्ड भी नहीं रहा कम से कम। और यहाँ जो दुकानों पर रेट है, हो सके तो जो भी अपना खाने पीने का सामान है वो खुद लेके आए, क्योंकि यहाँ जो 10 रुपये की चीज़ है वो 20 रुपये कभी 30 रुपये, यानी कि हर एक कदम पे पैसा बढ़ते हुए जा रहा है। तो कोशिश करना कि आप जो कुछ भी वो सब नीचे से कैरी करके चलें। यहाँ से हमको टैक्सी मिल जाएगी और टैक्सी करके चलते हैं यहाँ से गौरीकुंड, जो कि यहाँ से बढ़ता है 5 किलोमीटर। बस पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से टैक्सी करते हैं और चलते हैं। हमें फाइनली टैक्सी मिल चुकी है गौरीकुंड के लिए, अब चलते हैं और हमें स्पेशल सीट मिले यहाँ से, आपको व्यू दिखाते बने का बढ़िया से। गाइस तो अभी हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, टैक्सी भी जाम लगी थी तो हम पहले ही थोड़ा उतर गए थे, फिर यहाँ से वो बोर्ड तक टैक्सी वाले उतारती है। यहाँ बस बहुत चढ़ाई करनी पड़ रही है गाइस, देख सकते हो। फिर यहाँ से चलते हैं अपन, वहाँ जाते हैं फिर गौरीकुंड में नहाएंगे वहाएंगे, फिर वहाँ से फिर अपना तैयार व्यार होकर रेडी होकर तुरंत ले लेंगे। ये गौरीकुंड का मार्केट है जो कि आप लोग देख सकते हो। गाइस तो अभी हम यहाँ गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, अभी चलते नीचे नहाते हैं, फिर नहाने के बाद अपनी यात्रा जो है प्रारंभ करेंगे। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पानी गर्म आता है, देखते हैं गाइस क्या है। बाकी यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो गाइस हम भी गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं, जाते हैं वहाँ नहाते हैं, फिर बताते हैं पानी सही में गर्म आता है ठंडा आता है। फिर
यहाँ से नहाने के बाद निकलते हैं अपन भी। तो भाई ये रही मंदाकिनी नदी, गंगोत्री में। तो अभी देखा में जैसे कि हम अभी नहाने गए थे गौरीकुंड में, वहाँ से नहा के आ चुके हैं, अभी सब हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं केदारनाथ की तरफ। तो बोलो हर हर महादेव, हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। चलते हैं। तो गाइस यही वो गौरीकुंड है जहाँ से अभी हम लोग नहा के निकले हैं, और वो देखो बगल से आती हुई मंदाकिनी नदी, और यहाँ का खूबसूरत व्यू, पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो चलते हैं। अभी मुश्किल से हम लोग 2 किलोमीटर चल पाए हैं, और हालात देख रहे हो पूरे एकदम थक चुके हैं, पूरा एकदम क्या बोलें आप, एकदम आराम से कुल धीरे धीरे करके चल रहे हैं कंटिन्यू। और हमारा जो साथ थे 2 आदमी वो आगे निकल चुके हैं अभी, तो देखते हैं कहाँ उन तक पहुँच पाते हैं। यार हमें अभी इसी में जाके फिर वापसी वहाँ निकलना है। तो और पीछे का व्यू देखो गाइस, क्या ही आ रहा है एकदम कसम से। देख सकते हो अभी मात्र 5 किलोमीटर ऊपर आए हैं, और हालत पूरी खराब हो गई है। यहाँ खाने का रेट हर कदम पे बढ़ते ही जा रहा है, एक पराठा 60 रुपये में हो गया 4 के साथ। बाकी मौसम तो कभी धूप कर रहा है, कभी छाँव कर रही है। बाकी आप देखना कहीं जब भी आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना, मेडिसिन वगैरह सब तो रख ही लेना, थकावट बहुत होगी, पैरों में दर्द वगैरह। बाकी हवा तो बहुत एकदम वो चल रही है, बाकी व्यू तो एकदम सही में देखने लायक है, नज़ारा जो है ना यहाँ का, इतने बड़े बड़े पहाड़ सब। गाइस अभी जो है हम कम से कम आधा चल रही हैं, यहाँ जो बोट टंगा है उसमें 10 किलोमीटर और बता रहा है, 22 बोले थे, समझो 11 किलोमीटर जो है 12 किलोमीटर अपन चल रही हैं। ये देखो गाइस, ये जो यहाँ घोड़े खच्चर चलते हैं ना, इनकी वजह से पूरे रास्ते पूरे कीचड़ भरे, पूरे ऐसे ऐसे हो रखे हैं, इसलिए महसूस है वो तो हल्का से कहीं बस कीचड़ पाती फिसल जा रहे हैं। गाइस चढ़ाई बहुत बहुत है, बहुत चढ़ाई है, पूरी हालत ख़राब हो रखी है, इसलिए आप हमेशा आओ तो अपने साथ कम से कम सामान ही कैरी करो। बाकी हमारा तो क्या, हम कैंपिंग बैग लेके टेंट लेके चल रहे हैं, तो हमको थोड़ा सामान लेके जाना पड़ ही रहा है। बाकी हो सके आप अगर बेस कैंप अगर होटल लेना चाहते हो केदारनाथ में, तो कम से कम सामान ही आपके साथ कैरी करें। ओके गाइस, यहाँ जो रास्ते हैं चढ़ाई करने वाले कैसे एकदम पूरे कीचड़ हो रखे हैं, और इसी से सभी जो श्रद्धालु हैं सब यही रास्ते से जा रहे हैं। देख लो यहाँ की सफाई जो है हो ही नहीं रही है। तो गाइस यहाँ आके अभी दो रास्ते हैं, एक ये वाला रामबाड़ को भी जाता है, और वाला पता नहीं कहाँ से जाता है, तो
अपन सोच रहे हैं कि सीधे वाले रास्ते चले इसमें से, जब कल आएंगे वापस तो इसमें से आ जाएंगे। और गाइस अभी मौसम देख लो, बारिश बारिश सा हो रहा है, अभी एक दो दिन हो रही है, अगर ज़्यादा होती है तो अपने पास रेनकोट तो है ही, रेनकोट पहन लेके, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई सामने गाइस क्या ही नज़ारा दिख रहा है एकदम। मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया, एकदम ऐसा लग रही कि ये जैकेट जो कमर बांध रखे है उसको फिर से पहनना पड़ सकता है। बाकी हमारी मंजिल तो गाइस सामने है, बस कब भोलेनाथ दर्शन हो। बस लिखा हुआ है सावधान सेतु पर एक समय पर 24 व्यक्ति या 6 खच्चर ही जा सकते हैं। वहाँ भी एक पुल है तो अपन चलते हैं इसी पुल पर ही।